अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। राधी, दोपहर से रात हो गई मगर दरिया लाशारी फैमिली के जाने के बाद कमरे से नहीं निकली। साहब जी, दरिया बीबी कह रही हैं कि उन्हें भूख नहीं है, वो लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था जब मुलाजमा ने इत्तला दी। क्यों? पता नहीं जी, लंच किया था? नहीं जी, ना लंच किया और ना ही नाश्ते के बाद। और कुछ खाया है? सकीना ने तफसीली बयान दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छी, अच्छा, सकीना चली गई और कुनान भूख हड़ताल की वजह सोचता उसके कमरे की तरफ बढ़ा और नाक करके अंदर दाखिल हुआ। दरिया बेड की बैग से टेक लगाए मैगजीन पढ़ने में मसरूफ थी। एक नज़र कुनान को देखा और फिर से मसरूफ हो गई। कुनान मुस्कुरा कर करीब ही बेड पर बैठ गया। उसने पाँव समेटे, कुनान ने गला घंघारा, क्या भूख हड़ताल की वजह जान सकता हूँ? वो खामोश रही दरिया। उसकी चुप पर कुनान ने उसके हाथ से मैगजीन छीना। क्या बदतमीजी है ये, वो चीखी। आहिस्ता बोलो, बहरा नहीं हूँ मैं, क्या करने आए हो? यहाँ निकलो, यहाँ से निकल जाऊँगा, पहले खुद साख्ता भूख हड़ताल की वजह बता दो। कुनान ने दरिया के पीछे से तकिया उठाकर अपने पीछे रखा और तीचा लेट कर रुख उसकी जानिब किया। दरिया तो उसके फ्री अंदाज पर ही हैरान थी। ओए होए, उठो यहाँ से बदतमीज इंसान, तुम्हें किसी लड़की के कमरे में बैठने के मैनर्स नहीं है, वो चिढ़ कर बोली। जनाब, वो लड़की माँ बदौलत की बेगम बोलती है, कुनान ने मुस्कुराहट रोक कर कहा। ओहो, शक्ल देखी है अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी है, वो शरारत से बोला। किसने कहा? किसी ने नहीं, मगर मैं जानता हूँ, इसीलिए खुशफहमी है। क्यों, अच्छी नहीं है क्या? मासूमियत से पूछा गया। मेरा सर मत खाओ, जाओ यहाँ से, चलो पहले खाना खा लो फिर सो जाना। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्यों भूख नहीं? सकीना बता रही थी नाश्ते के बाद से तुमने कुछ भी नहीं खाया। मेरी फिक्र मत करो, अपने घर वालों से सुला कर जश्न मनाओ, वो तंजिया बोली। ओहो, तो असल वजह ये है। निकलो यहाँ से, दरिया ने तकिया वापस खींचा। चला जाता हूँ यार, धक्के क्यों दे रही हो, तुम इसी काबिल हो। अच्छा, मैडम की शादी के लिए शॉपिंग कर लेना, कुरान सीधा होकर बोला। तुम्हारी बहन की शादी है, जो मर्जी आए करो, मेरी बहन तुम्हारी नंद है। मैं नहीं मानती किसी नंदवंद को, जब तुम्हें ही अपना शौहर तस्लीम नहीं किया तो वो किसी रिश्ते से नंद हुई। इनफ दरिया, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मनकुहा से बीवी बना लूँ, फिर कैसे शौहर तस्लीम नहीं करोगी तुम। मगर वो रुका, मगर क्या क्या करोगे तुम? हाँ, दरिया ने उसके सीने पर मुक्का मारा, ज़बरदस्ती करोगे तुम? हाँ करो, ज़बरदस्ती करो। मेरा कौन सा बाप भाई है जो तुमसे जवाबदही करेगा? लावारिस हूँ, करो जो करना है कर लो, कर लो अपनी हवस पूरी, जिसकी खातिर धोखे से निकाह किया है तुमने। चाख, कुनान का भारी हाथ उठा और दरिया के गाल पर निशान छोड़ गया। दरिया गाल पर हाथ रखे मुंह खोले कुनान को देख रही थी। कम अज कम उस शख्स से उसे थप्पड़ की उम्मीद ना थी। अंदर कहीं दिल के पास बहुत कुछ टूटा था। वो दोपहर से अब तक ना जाने कितना कुछ सोच चुकी थी इस रिश्ते को लेकर, और कुनान ने एक पल में ही उसे आसमान से ज़मीन पर ला पटका। मैं हवस परस्त हूँ, कुनान ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर अपने सामने किया। देखो देखो इधर, उसने दरिया का मुंह ऊपर उठाया, देखो हवस परस्त लगता हूँ क्या? दरिया सिर्फ एक पल उसकी लाल अंगारा आंखों में देख सकी। मैं तेरी पाकीज़ा मोहब्बत को हवस का नाम देती रही हो, जानती हो हवस किसे कहते हैं? वो चिल्लाया। अगर जानती तो कम अज़ कम इस तरह मुझे और मेरी मोहब्बत को गाली ना देती तुम। जानती हो कब से मोहब्बत करता हूँ तुमसे? 5 साल से, 5 साल से तुम्हें सोच रहा हूँ, तुम्हें चाह रहा हूँ, जब जब पहली बार देखा था तब से। अगर अपनी हवस पूरी करनी होती ना दरिया बीबी, तो वो मैं बना निकाह के भी कर सकता था, क्या रोक सकती थी तुम? वो आपे से बाहर हुआ। दरिया सर झुकाए मुंह सिए खड़ी थी। वो ठीक ही कह रहा था, कौन रोक सकता था उसे मनमानी करने से? उसने तो निकाह के बावजूद भी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे मुंह से खुद के लिए ये अल्फाज सुनकर मुझे मेरी औकात तो पता चल गई तुम्हारी नज़र में। वो इस्तेजाजिया हंसा। अगर तुम मुझे शौहर तस्लीम नहीं करती हो तो ठीक है, मैं भी किसी ज़बरदस्ती का कायल नहीं। जब कहोगी मैं तुम्हें इस नाम नेहाद रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। यूँ तो फिर यूँ ही सही, वैसे भी इस मोहब्बत में सवाए खवारी के मुझे मिला ही क्या है? वो बेबस सा बाल चकड़े बाल कमरे से चला गया। पीछे दरिया खुद को कोसती रह गई। एक हफ्ता हो गया था उस दिन की तलखी को, मगर दोनों तरफ खामोशी थी। पहल तो दरिया को करनी चाहिए थी, क्योंकि ज्यादती भी तो उसी की तरफ से हुई थी, मगर दरिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे और क्या ना करे। इसी सोच में मजीद एक हफ्ता गुजर गया। मीरब की शादी को एक हफ्ता रह गया था और वो बार बार कॉल करके कुनान का दिमाग चाट रही थी। कुनान अब हरगिज़ पहल करना नहीं चाहता था, मगर फिर से मीरब की शाम को आने वाली कॉल पर अपताता हुआ दरिया के रूम में चला गया। दरिया शायद नहाकर निकली थी, इसीलिए गीले बाल आबशार की मानित पुश्त पर बिखरे थे। कुनान ने खुद को मलामत करते हुए दिल को झाड़ा, जो ना जाने क्यों उस जालिम लड़की को देख कर फिर से बेकाबू हुआ था। दरिया जल्दी से दुपट्टा लेकर उसकी तरफ पलटी। हमें एबताबाद जाना है कल, इसलिए रेडी हो जाओ, शॉपिंग कर आए जी। दरिया के जी पर कुनान ने हैरत से उसे देखा। मैं गाड़ी निकालता हूँ, आ जाओ तुम, वो कहता कमरे से निकल गया। दरिया ने शुक्र किया, आखिर चुप तो टूटी।
जल्दी से बाल बांधे और चादर लेकर वहाँ निकली। आज पहली दफा वो कुनान के साथ कहीं जा रही थी, वरना तो शादी के शुरू दिनों में वो कुनान के दोस्तों की दावतों को भी मना कर चुकी थी। इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में, और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।